सवाल नंबर एक, भाजपा सरकार के 3 साल के कार्यकाल में कुल कितने ब्राह्मण मारे गए? सवाल नंबर दो, ब्राह्मणों को मारने वाले कितनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया? सवाल नंबर तीन, ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या किया? चौंकिए मत, ये सवाल हमारे नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक के हैं। अब तक ब्राह्मण प्रताड़ना के आरोप को लेकर यूपी की योगी सरकार विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस के निशाने पर थी, लेकिन अब ये राजनीतिक आग खुद भाजपा के अपने घर तक पहुंचती दिख रही है, क्योंकि भाजपा विधायक ने जिस तरह के सवाल पूछे हैं, यूपी की सियासत में उनकी तपिश साफ महसूस की जा सकती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर के लंबुआ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी की। भाजपा विधायक ने यूपी में ब्राह्मणों पर हो रहे कथित अत्याचार के संदर्भ में अपनी ही सरकार से सवाल पूछ लिया है। उन्होंने मानसून सत्र में जवाब के लिए प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र भेजा है। विधायक ने योगी सरकार से 6 सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि ये सवाल यूपी गृह विभाग से पूछे गए हैं, जिसका जिम्मा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के पास ही है। हम इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको 3 सवाल बता चुके हैं। इन 3 सवालों के अलावा भाजपा विधायक ने योगी सरकार से 3 और यानी कुल 6 सवाल पूछे हैं। भाजपा विधायक ने अपनी बाकी के सवालों में पूछा है कि ब्राह्मणों की हत्या करने वाले कितनों को पुलिस ने सजा दिलवाई, क्या शस्त्र लाइसेंस के लिए ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वो खुद की सुरक्षा कर सकें, अब तक कितने ब्राह्मणों ने शस्त्र लाइसेंस की मांग की है और सरकार ने कितनों को जारी किया है। भाजपा विधायक के इन 6 सवालों से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि यह सियासत अब केवल विपक्ष नहीं कर रहा। विपक्ष की तरफ से ब्राह्मण जाति के संदर्भ में जाति के आधार पर कथित प्रताड़ना से जुड़ा यह मुद्दा अब भाजपा की चौखट पर भी पहुंच गया है। विपक्ष के सवालों का जवाब देना तो किसी सरकार के लिए रूटीन का काम है, लेकिन ऐसे मौके कम ही दिखते हैं जब सरकार खुद अपने ही घर में घिर जाए। बहरहाल मामला चाहे जो हो, इतना तय है कि यूपी की भविष्य की सियासत में ऐसे सवाल सामने आते रहेंगे। यूपी की ऐसी ही राजनीतिक रिपोर्टों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।